down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. Grabbing amazing products or must have for college student from Amazon or ऑफिस वालों के लिए भी है एक दो चीज़ें, वो मैं दिखाऊंगी आपको. एंड विदाउट अ फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू वीडियो. बट बिफोर दैट, मैंने संडे की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई. कैन यू सी द एलर्जी ऑन माय नेक? जैसे रेडनेस दिख रहा है ना हल्का हल्का, ये चीज़. और मेरे फेस पे भी हो रहा था, बट फेस पे अब ठीक है. और मतलब अभी भी है, साइड से ऐसे फील हो रहा है, बट ठीक है. मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं. लाइक दो तीन दिन मैंने आराम से रेस्ट किया क्योंकि मैं बिल्कुल कोई भी कंटेंट शूट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ दिस. सो आज मैं कर रही हूँ, बट स्टिल नेक पे मुझे अभी ज़्यादा फील हो रहा है. तो देखते हैं कि कब तक ये ठीक होगा. सो स्टार्ट करते हैं. सो आई विल बी वेरी क्विक अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखानी है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू वीडियो. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि है सन ग्लासेस, और इसी से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ना दो बॉक्स मंगवाए सन ग्लासेस के. एक तो मैंने मंगवाया वाइट कलर में एंड इट वॉज फॉर लाइक 399 समथिंग. और ये वाला आपने देखा होगा कि काफी ट्रेंड में है, लाइक हर जगह, हर इंस्टाग्राम पोस्ट पे और हर जगह आपने देखा ही देखा होगा. कॉलेज में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, डे टाइम में भी काफी ज्यादा क्लासी एंड शीक लगेगा. एंड इट्स लाइक अ यूनिसेक्स, लाइक बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आराम से इसको कैरी कर सकते हैं. दिस इज सो कूल, लाइक इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है. ये ब्रॉड जो साइड का इसका फ्रेम है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन दो कैन यू सी, इसके साथ पता है बॉक्स के साथ ये इसका कवर भी आया है. आप इजीली इसको कवर में कैरी कर सकते हो अपने वॉलेट में. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट जो इन्होंने दी. इसकी पैकिंग काफी अच्छी आई थी, अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स में ये पैक होके आया था. एंड यू कैन कैरी दिस, इसका क्लीनर इसके साथ ही रख सकते हो आप. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट सन ग्लासेस, इसमें एक के साथ एक फ्री था, काइंड ऑफ लाइक दो एक साथ ही थे. सो द फर्स्ट वन इज द ब्लैक वन, इसी का. लाइक तीनों का द शेप एंड एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ कलर्स अलग हैं. और ओ माय गॉड, सो मच एस्थेटिक. इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड द फ्रेम इज अमेजिंग. और ये जो रेट्रो स्टाइल देता है ना, काफी अच्छा लग रहा था. एंड यू कैन इजिली कैरी इट अराउंड. अभी तो धूप में ऐसे लगा के आराम से जा सकते हो टू सेव योर आईज. एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन इन अ एनिमल प्रिंट. ये भी काफी ज्यादा शीक और क्लासी लग रहा है. और इसका साइड का फ्रेम का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. 500 में ये दोनों सन ग्लासेस है. स्क्रीन पे आपको प्राइस आ जाएंगे, तो वाई नॉट. और इसके साथ भी ये एक ही कवर आया है इसके साथ, चाहे तो आप ये कैरी करो या वो, क्योंकि एक के साथ एक फ्री है. तो आपको एक बॉक्स में स्टोर करना होगा, एक के लिए आप ये यूज कर सकते हो ये कवर. ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, लाइक इसका ये कवर काफी स्लीक है. आप इजीली अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो इसको. और ये जो आपको जो सन ग्लासेस है ये इतने आराम से नहीं टूटेगा. सी मैं इतना इसको प्रेस कर रही हूँ फिर भी ये नहीं टूट रहा. प्राइस वाइज एंड पैकेजिंग सब में काफी अच्छा है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आई ऑर्डर टू शूज. सो मैं पहले ना आपको अफोर्डेबल वाला शूज दिखा देती हूँ. दिस वन, ये नाइकी का ड्यूब है. ये मुझे काफी पसंद आया, लाइक ऐसे देख के भी इसकी क्वालिटी. और इसका जो अंदर का भी जो कुशन पार्ट है वो भी अच्छा है एंड साइड में भी अच्छे से इसका फोम वर्क है एंड एवरीथिंग इज नाइस. इसके बाद जो इसका पेस्टल कलर है ना, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है. एंड आई ऑर्डर दिस इन अ UK 5. आई पेड 599 फॉर दिस वन. तो उसमें काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी. लुक भी काफी अच्छा है, लाइक नेट ऑफ पे. और अगर आप कुर्ती जीन्स पहन रहे हो तो उस पर भी आराम से जाएगा. और इवन आपके ब्लेजर फॉर्मल लुक्स पे भी ये वाला जो शूज का स्टाइल है काफी अच्छे से चला जाएगा. एंड दिस इज समथिंग कि मैं बोलूंगी कि एक वाइट शूज तो होना ही होना चाहिए, लाइक दिस इज मस्ट हैव इन योर कबर्ड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट और द ऑफिस. नेक्स्ट वन मैंने नेक्स्ट परचेज किया है ये रेड टेप के शूज. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम रेड टेप. और ये वाला शूज मुझे बहुत लाइक हद से ज्यादा जो कम्फर्टेबिलिटी कहते हैं ना, वो इस वाले शूज में मुझे फील हुआ. और इसकी क्वालिटी, और एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी शूज की, कि इसमें जो ये फ्रंट में ये सारी चीजें हैं नेट, ये ब्रीदेबल है. लाइक इसमें आपके जो फीट आपके आराम से ब्रीथ कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग. एंड द सेकेंड कि ये शूज आपके स्पोर्ट्स और जिम के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है. इवन कॉलेज में बहुत ज्यादा चलना होता है तो दिस इज परफेक्ट फॉर योर कॉलेज. लाइक बहुत चलाते हैं, मेरे टाइम में तो बहुत, लाइक एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाओ और क्लासेस के लिए भी चेंज करो तो बहुत ज्यादा चलना होता था. सो दिस इज समथिंग कि आई विल सजेस्ट कि गो फॉर दिस वन. दिस कॉस्टेड में अराउंड 1749. सो फॉर 1749 में ये स्पोर्ट्स शूज इज अमेजिंग विद अमेजिंग क्वालिटी.
मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। इसको पहनने के बाद ना मुझे इतना लाइट फील हो रहा था, इसका वेट भी ज्यादा नहीं था एंड वॉक करते वक्त, जंप करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त भी काफी लाइट था ये शूज। सो दिस इज सो अमेजिंग। सो मूविंग टू द नेक्स्ट बैग, फिर उसके बाद मैं मूव होंगी कपड़ों पे। सो आई ऑर्डर दिस टोट बैग और ये वाला मुझे काफी ज्यादा सिंपल और ऐसा लग रहा था कि दिस इज समथिंग अगर मैं कॉलेज में होती तो मैं अपने कॉलेज में इसको जरूर कैरी करती फॉर द एस्थेटिक। और ऊपर से इसमें आराम से मेरा लैपटॉप भी आ गया था जैसे मैंने दिखाया था और बहुत सारी चीजें बुक्स भी आ जाएंगी आराम से क्योंकि इसमें काफी स्पेस है। और एक और क्यूट चीज मुझे इसमें लगी, एक छोटा सा पाउच डज यू कैरी योर एयरपॉड और अपने चेंज, पैसे, कार्ड आराम से इस वाले छोटे से पाउच में कैरी कर सकते हो। दैट आई एम सीइंग अ फर्स्ट टाइम इन अ टोट बैग इफ आई स्टार्ट माई कॉलेज अगेन। सो श्योरली आई विल बी कैरिंग दिस वन इन माई कॉलेज एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माई पिक्चर विद यू ऑल। सो नाउ आई विल स्टार्ट माई PhD इफ आई डू सो। सो होम टू द क्लोथ, सो फर्स्ट आई ऑर्डर, मैं पहले टी शर्ट दिखा देती हूँ क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैंपस में आपके जो नॉर्मल टी शर्ट्स होते हैं। सो आई ऑर्डर दीज टू, सो फर्स्ट वन इज दिस वन ह्यूज ग्राफिक टी जो आप लोग बार बार कह रहे थे दिखाओ दिखाओ। सो फाइनली आई एम हियर विद अ ह्यूज ग्राफिक टी फ्रॉम अमेजोन और इसका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्यूट तो नहीं बोलूंगी बट काफी ऐसे रॉ वाली ऐसी वाइब दे रहा है। ह्यूज ग्राफिक प्रिंट इज मस्ट हैव फॉर कॉलेज, इसके बिना कॉलेज का आउटफिट एस्थेटिक लगता है मुझे इनकम्प्लीट है। एक ह्यूज ग्राफिक टी तो होना ही होना चाहिए यार, उसके बाद मजा नहीं आता। और एक सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ कि आप इस टी शर्ट को ऐसे भी पहन सकते हो सीधा फ्रंट में, अगर आपको ये ग्राफ चाहिए तो ग्राफ फ्रंट में, अगर आपको ये प्रिंट चाहिए तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, अगर आपको बैक साइड में चाहिए तो आप इसको उल्टा करके पहन सकते हो तो फ्रंट में आपका प्लेन लुक लगेगा। एंड मैं बता रही बिल्कुल पता नहीं चलता, मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि अपने जो ग्राफिक टीज है मैं उसको उल्टा करके पहनती हूँ अगर मुझे बैक साइड पे ऐसे प्रिंट चाहिए होता है, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अमेजिंग वाली वाइब आती है। सो यू कैन डू दैट टू। सो आई ऑर्डर दिस इन अ लार्ज साइज टू मेक इट अ ओवर लार्ज टी शर्ट और दिस कॉस्टेड मी $3.99 ओनली, सो दिस इज अफोर्डेबल। टू द नेक्स्ट इज द क्राउ प्रिंट, आई नो आई एम सो लेट बट स्टिल बता रही हूँ, अगर अभी भी अगर आप क्राउ प्रिंट और वो जो ड्राई प्रिंट पहनोगे तो वो अभी भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने मंगाया है। कमिंग टू दिस नेक एरिया, नेक एरिया की डिटेलिंग मुझे काफी अच्छी लगी, जो ये व्हाइट थ्रेड पूरे पे, ये बाउंड्री पे आप देख सकते हो, ये काफी अच्छा है एंड इट्स अगेन ओवर लार्ज, इसको मैंने लिया है लार्ज साइज में। आई थिंक अगर मैं इसको मीडियम भी लेती तो चल जाता, थोड़ा लार्ज ओवर लग रहा है मुझ पे। तो आई विल सजेस्ट अगर आप भी मेरे साइज में हो स्मॉल साइज में तो गो फॉर द मीडियम साइज, वो भी आपको ओवर लार्ज ही लगेगा, लार्ज थोड़ा ज्यादा लार्ज लग रहा है बट स्टिल आई कैन कैरी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज तक भी कैरी किया तो मैं कैरी कर लेती हूँ। एंड आई रियली लव्ड इट, रियली रियली लव्ड इट द प्रिंट एंड एवरीथिंग, मटेरियल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मटेरियल ब्रीदेबल है इसका। टी शर्ट्स आर समथिंग कि कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या पहनना है तो गो फॉर द टी शर्ट, प्लेन सिंपल और ऐसे बेसिक टीज ले लो 3-4, उसी को रिपीट करते रहो, बहुत अच्छे लगते हैं विद दी शूज और विद दी सनग्लासेस, आपका पूरा टोटली जो लुक का गेम चेंज कर देता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एथनिक भी इसमें दिखाऊं क्योंकि ऐसे मेरा मन कर रहा था कि अगर मैं कॉलेज मस्ट हैव दिखा रही हूँ तो एथनिक भी बहुत ज़रूरी हो और अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है इसमें कॉलेज जाओगे और एथनिक पहन के जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने 3 एथनिक ऑर्डर किए हैं। सो तीनों अलग अलग हैं बहुत, तो पहला मैंने ये चिकनकारी का कुर्ती ऑर्डर किया है क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे चिकनकारी के कुर्ती के बारे में पूछते रहते हो तो मैं डिट्टो कह रही हूँ, हाँ डिट्टो या सेम तो ऑर्डर नहीं कर सकती ना क्योंकि दो हो जाएगा, तो मैंने ये ऑर्डर किया इन अ मल्टी प्रिंट। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ऊपर से पहले बता दो इसका मटेरियल काफ़ी ब्रीदेबल है एंड कम्फर्टेबल भी है और इसके बैक साइड पे, सो दिस इज समथिंग कि अभी फेस्टिव सीजन में अगर कॉलेज जाना हो रहा है ना तो ऐसे कुछ कुर्ता पहन के जा सकते हैं विद द जंग ज्वेलरी या सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लुक, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड ना कभी कभी एथनिक पहन के भी जाते थे तो काफी अच्छा लगता था कैंपस में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इज अ वेरी ब्राइट एंड अ वेरी पेस्टल वाइब कलर, दिस अ कुर्ता सेट, सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन कैरी एट योर कॉलेज फॉर द फेस्टिव या कोई ओकेजन आ रहा है तो उसमें कैरी कर सकते हो। एंड द ब्रांड इज इडालिया एंड द मटेरियल एंड एवरीथिंग इज सो नाइस, मटेरियल भी काफी इसका अगेन ब्रीदेबल है और इस प्लाजो पे जो पूरे पे प्रिंट है काफी ज्यादा ऐसे लाइट वाइब दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप इसको डे में पहन के जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मूविंग टू दिस कुर्ता, कुर्ता भी
काफी सुंदर है। इसमें काफी डिटेलिंग भी है, जैसे ये दो टेसल फ्रंट में, बीच में ये जो सिंच किया हुआ पार्ट है ये भी काफी अच्छा लगा मुझे। आपको इसको पहन के एकदम लाइट और ऐसे हल्का सा फील होगा और ऑफिस में भी काफी अच्छा लगेगा। एंड दीज बटन्स जो स्लीव्स पे भी काफी अच्छे हैं, काफी डिटेलिंग है, लाइक इसमें क्यूट क्यूट वाली डिटेलिंग है, लाइक इतना ज्यादा ओवर नहीं है बट एकदम मिनिमल ऐसे डिटेलिंग दी है ना, तो काफी अच्छा लग रहा है इन दोनों का सेट। और ये पजामा काफी फैला हुआ है, काफी कंफर्टेबल भी है, मैंने पहनता मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये वाला कुर्ता सेट मिलेगा जो कि आप इजिली अपने ऑफिस में या कॉलेज में दोनों में आराम से पहन के जा सकते हो। एंड अगेन दिस इज मस्ट हैव। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में आपके पास एक एथनिक भी होना चाहिए ताकि जब भी कोई एथनिक डे हो या कॉलेज में फंक्शन हो या एथनिक डे में अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप एथनिक पहन रहे हो तो काफी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको मस्ट हैव में इंक्लूड किया है। सो मूविंग टू दिस, अगेन द लास्ट पीस इन दिस हॉल इज दिस अ कुर्ता सेट विद अ दुपट्टा। तो ये इसका मटेरियल अगेन कॉटन साइड और काफी सॉफ्ट है, काफी कंफर्टेबल है। सो स्टार्टिंग विद दिस पजामा, सो ये सीक्रेट पैंट्स है और इनकी जो फिटिंग है वो भी काफी अच्छी है, पहनने के वक्त भी काफी कंफर्टेबल था। और इसके एज में जो ये डिटेलिंग ऐड की ना, ये मुझे बहुत पसंद है। हमेशा जब भी पजामे में ये एक्स्ट्रा जो सूट या कुर्ता जो इस कलर का होता है उस वो डिटेलिंग अगर पजामे में ऐड करते हैं ना तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है। सो कमिंग टू दिस कुर्ता, कुर्ता भी काफी सॉफ्ट हल्का सा एकदम, लाइक अभी सब कह रहे हैं कि ऐसे विंटर आ गया बट अभी भी गर्मी, दिल्ली में गर्मी ही लगती है तो उसमें ये काफी अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड, इट्स सो सिंपल बट स्टिल कैन यू सी दिस शाइनिंग मिरर, और मिरर वर्क कुछ भी हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन रात किसी भी टाइम आप इसको पहनो बहुत अच्छा लगता है। एंड सो क्यूट सिंपल, लाइक इट इज अ क्लासी पीस जो आप ऐसे पहन के ऐसे लहरा सकते हो मिरर की वजह से। और फ्रंट में जो ये रेड कलर की इन्होंने थ्रेड वर्क दी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा इसमें वाइब ऐड कर रही है। इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, इतना सॉफ्ट, और एक तो इतना बड़ा दुपट्टा दिया है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे कैरी किया हुआ, लाइक अमेजिंग, बिल्कुल कहीं से भी कोई कमी नहीं है इस दुपट्टे में। और इस दुपट्टे के ऊपर प्रिंट जो ये फ्लोरल प्रिंट है ऑल ओवर इट, भी अच्छा लग रहा है। मुझे ये सूट का पीस ना बहुत अच्छा लगा, लाइक सूट का पीस नहीं, सूट कुर्ता सेट ना मुझे काफी काफी अच्छा लगा, काफी कंफर्टेबल है ना, परफेक्ट विद द दुपट्टा सब कुछ दिया है तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। सो दैट्स इट फॉर माय मस्टर्ड फ्रॉम अमेजोन। आई होप यू डिड एंजॉय एंड फाउंड दिस हेल्पफुल। सो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, और क्या देखना है अमेजोन से कमेंट करके बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल लिव ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप इजिली शॉप कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू डिड एंजॉय। सो thank you for watching, I'll meet you next time, till then take care, bye.